बिस्मिल्लाह ठाक होंगे, अपने कामों में अच्छे से मसरूफ होंगे। मैं मोहम्मद फजल फिकार अहमद, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टूल्स टीवी। तो आज की वीडियो की जानिब चलें। पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जैसे दोस्तों को और आपके दोस्तों को पता लग सके कि घरों में कौन कौन से औजार रखने चाहिए, उनका इस्तेमाल कैसे है, कहाँ से मिलते हैं, कितने के मिलते हैं और हम इन्हें कैसे और किन किन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कांटी, कांटी भी से कहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़बान है इंग्लिश में, हम इसे ट्रॉवल कहते हैं, जो ईंटों के ऊपर सीमेंट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। घर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, ये हर घर में होना लाजमी है, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादातर मकसद वो होती है कि जो घरों में इस्तेमाल होने वाले टूल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बनाई जाए, या कि उनके ऊपर बनाई जाए जो घरों में इस्तेमाल नहीं होते। मैं अक्सर उनकी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि जिन लोगों का काम की वीडियो है वही बनाई, हमारी कुछ वीडियो लंबी भी हो जाती है। तो हमारे साथ रहिएगा, शुरू करते हैं जी। ये वाली होती है बड़ी कांटी, ये तो आप लोगों के हर शहर में मिलती होगी, आपको देखने को नज़र आता होगा। ये होती है आम कांटी, जो बड़ी जो ईंटों के ऊपर शुरू करते हैं। ये वाली जो कांटी है आपको 250 से 300 तक की बहुत अच्छी वाली मिल जाएगी, जो जो बिल्कुल ये वाली जो चीज़ होती है ये इसकी मायने ही रखती है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कांटी टूट जाती है। ये काफ़ी अच्छी है, ये यूज़ में है मेरे पास, ठीक है। एक तो ये होती है, ये होती है ज़्यादातर इस्तेमाल पंजाब में, ये ईंटों वगैरह के लिए होती है, मिट्टी वगैरह के लिए होती है। ये वाली जो कांटी होती है टाइलों के बीच फिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसका साइज़ देखें आप, उसकी नस्बत बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये टाइलों वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है और गोडी वगैरह करने के लिए, जैसा मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके लिए इस्तेमाल होती है, यूँ करके गोडी करते हैं ताकि इसकी रूट्स ठीक से अच्छे से रहें। ये आप देख सकते हैं, इसने बड़ी अच्छी तरीके से गोडी कर दी है। तो ये कांटी का इस्तेमाल है फीलिंग के लिए और गोडी के लिए, ये उससे छोटी आती है, ज़्यादातर घरों में ये रखनी चाहिए। इसका साइज़ जैसे आप देख सकते हैं, इससे बड़ा और इससे छोटा, यानी कि ये वाली जो कांटी है ये आपको मिल जाएगी 130 रुपये की, और जो ये वाली कांटी है मुझे मिली है 50-60 की। ये वाली यहाँ से टूट गई हुई थी, ये वाली जो जगह होती है इसकी आप देखते हैं, इसकी टूट गई, तो मैंने इसकी भी डायरेक्ट फिट कर दी, नहीं तो सेम टू सेम ये भी इसी तरह की कांटी ही थी, ये ज़रा कमज़ोर सी जगह तो टूट गई। ये वाली आप साइज़ में आप सब दोस्तों से रिकमेंड करूँगा, इसे कहते हैं मीडियम साइज़। ये स्मॉल है, ये लार्ज और ये मीडियम, जो मीडियम साइज़ है ये घरों में होना चाहिए, क्योंकि छोटे वगैरह काम ईंट लगाना, कोई गटर है तो उसके साइडों में सीमेंट लगा देना, या कहीं जो सीमेंट निकले वहाँ पर लगा देना, या शू वगैरह घरों में चरियाँ मारते हैं जो लोग, जिन लोगों के पास ग्राइंडर है उनके लिए तो बेहद ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये हर घर में होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास नहीं होती कांटी मीडियम साइज़ की, कम अज़ कम लेके रखें, बड़ी ना सही। ये वाली जब शेपें देख रहे हैं इस तरह की, यानी कि ये वाली जो शेप्स होती है तो ये होती है पंजाब में इस्तेमाल, ठीक है। अब जो मैं आपको दूसरी दिखाने लगूँ, ये वाली जो शेप है ये सिंध में और चकवाल में इस्तेमाल होती है, ये वाली शेप। एक ये वाली कांटी भी होती है, सबसे अच्छी कांटी है ये वाली, डिंगा ब्रांड की असली कांटी है, ये आप देख सकते हैं। असल में मायने जो रखती होती है कांटी में, सबसे ज़्यादा नई कांटी में सबसे बड़ा चीज़ मायने रखती है ये चीज़ है, एक ये और ये वाली। ये आप देख सकते हैं जी, ये बिल्कुल वेल्ड हुई हुई और काफ़ी मजबूत कांटी है, और ये बड़ी कांटी है, इस वाली से जो पंजाब की कांटी है इसके जितनी है लेकिन इससे बड़ी लगती है। इसकी शेप होती है क्योंकि ये सिंध में ज़्यादातर चलती है और बलूचिस्तान वाली साइड, और ये चकवाल में ज़्यादातर भट्टे हैं वहाँ पर इस तरह की कांटी का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में इस तरह की बहुत कम कांटियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा लोग इस तरह की हो गई, ये वाली शेप की हो गई, ये वाली कांटी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ये वाली कांटी है डिंगा ब्रांड की, आप देख सकते हैं ये काफ़ी मजबूत बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, और ये लोहे का जो ऊपर जो इसका लोहा लगा हुआ है चाइना स्टील है, इसको जंग नहीं लगता, सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी। तो ये वाली क्वांटी है, ये वाली कांटी है जो ये मैंने ली थी 350 की, ये वाली ली थी 130 की, ये वाली ली थी 50-60 की, और ये वाली मैंने 250 की ली थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी बनी हुई है। ये देख सकते हैं कितनी मोटाई है इसकी, यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। तो ये वाली चकवाल में और दूसरी साइडों में इस्तेमाल होते पंजाब में बहुत कम होती है, लेकिन ये पंजाब में हर शॉप से ये वाली कांटी इजीली मिल जाती है, सारी मिल जाती हैं। मुख्तलिफ शेप बनाने का मकसद यही था कि आपको पता लग सके, लेकिन अगर आप घर में रखना चाहते तो बेहतरीन है, क्योंकि ये हर जगह एंगल से लिहाज से, यहाँ से सीमेंट लगाना और यहाँ से भी लगा देगी, गुलाई में हर जगह से लगा देगी। लेकिन अगर आप घर में कहते हैं नहीं जी हमने इतनी ज़्यादा कांटियाँ नहीं रखनी शेप की, तो आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा कि अब ये वाली जो मीडियम साइज़ की कांटी कम अज़ कम ये घर में हर रखें, क्योंकि घरों की बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होती है, सीमेंट वगैरह लगाना पड़ जाता है, टाइलों की फिलिंग करनी पड़ जाती है। तो आपके पास ये वाली जो मैंने आपको कांटी दिखा रहा हूँ मीडियम साइज़ की, ये वाली होनी चाहिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, आपको साथ साथ बताते रहिएगा, जब ये कांटियों का इस्तेमाल होगा तो आपको बताएंगे कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल होती हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।